अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकराम लेसी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हम आपसे शेयर करेंगे फाइव स्टार चुरंगी का सेवरेज का जो लाइन है वो ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया है। और हम जो है इस टाइम फाइव स्टार चुरंगी के ऊपर हैं और देख सकते हैं आपके बारिश जो है वो काफ़ी टाइम से अभी हुई नहीं है। 8 से 9 घंटे 10 घंटे बीत गए हैं, बारिश नहीं हुई है। लेकिन इतना टाइम बारिश के बाद भी फाइव स्टार चुरंगी के ऊपर इतना पानी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये पानी जो है ये बारिश का पानी नहीं है। और हम आपको जो है इस वीडियो में आगे चल के दिखाएँगे कि ये पानी असल में आ कहाँ रहा है। कबल 2-3 साल पहले यहाँ एक 24 इंच की लाइन डाली गई थी, मेन सेवरेज की लाइन, और वो लाइन जो है वो ब्लॉक हो गई है और जगह जगह जो है वो उसके सेवरेज के जो मेन होल्स हैं उनमें से जो है वो सारा पानी निकल रहा है। और जो पानी सर्विस रोड पे, फिर सर्विस रोड से मेन रोड और मेन रोड से फाइव स्टार चुरंगी की तरफ और फाइव स्टार चुरंगी से फिर हैदरी तक की तरफ जो है ये पानी जा रहा है यहाँ से। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा ताकि हम जो है वो आपको ये कंडीशन दिखा सकें। और देख सकते हैं आप व्यूज़, मैं इस टाइम जो है वो वहाँ स्टार्ट पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ से ये पानी निकलना स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद फिर कहाँ कहाँ से ये पानी निकल रहा है मैं आपको बताऊँगा। ये मेन होल है एक उसी 24 इंच लाइन का, और देख सकते हैं कि इसका पानी के प्रेशर से जो है इसका ढक्कन साइड में हो गया है, निकल गया है वहाँ से। और यहाँ से जो है वो पानी फुहारों टाइप की टाइप से जो है वो निकल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर किसी ने मोटरें वगैरह लगा दी है इसमें। और ये पानी जो है इतनी स्पीड से निकल रहा है, यहाँ से ये पानी निकलता हुआ जो है वो जा रहा है सर्विस रोड पे, और फिर सर्विस रोड से जो है यही पानी निकल के मेन रोड की तरफ जा रहा है, और फिर मेन रोड से जो है सीधा फाइव स्टार चुरंगी के ऊपर, और फिर फाइव स्टार चुरंगी के जो लम्हात चले थे मैंने पहले आपको दिखाए हैं वो वहाँ के जो है हालात हैं। तो वीडियो में हमारे साथ हैं, आएँ हम जो है वो आपको इससे आगे की कंडीशन भी दिखाते हैं। ये तो व्यूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइव स्टार से पहला कट है सर्विस रोड पे आने के लिए, और हम वहीं हैं इसका जो कि मैंने पानी आपको दिखाया वो सारा पानी वहाँ से बहता हुआ इस जगह तक आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेन रोड पे भी जो है वो इतना पानी है और लोगों को कितनी दुश्वारी हो रही है यहाँ से जाने के लिए और यहाँ से गुजरने के लिए। काफ़ी जो है वो पानी बड़ी स्पीड में यहाँ से जा रहा है और मेन रोड से फिर चुरंगी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो इस टाइम तक प्रेजेंट है ही नहीं कि इस लाइन को जो है वो सेवरेज और वाटर पोल्स की जो टीमें हैं वो क्लियर करें ताकि ये पानी जो है सेवरेज लाइन के अंदर से कहीं जाए और बाहर लोगों को जो है वो अजियत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस टाइम तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई गई है, बस ये लाइन जो है ब्लॉक है या डैमेज है ये भी नहीं पता, लेकिन पानी जो है वो जगह जगह से निकल रहा है। इसको सही करने के नाम पे जो है वो सेवरेज के पाइप्स यहाँ पे ला के छोड़ दिए गए हैं, और उसके बाद जो है अब कुछ पता नहीं है कि इंतजामिया जो है वो कहाँ है या फिर ये सिलसिला जो है आपके सामने है फोन स्क्रीन, ये कितने दिन मजीद यहाँ पे और चलने वाला है और इससे जो है वो कब तक लोग जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि ये पानी जो है ये बरसात का पानी नहीं है, इसमें सेवरेज का पानी भी मिक्स है। तो यहाँ से जो भी लोग गुजर के जाते हैं उसके छीपे आते हैं तो कपड़े भी नापाक हो जाते हैं आप, उसके बाद नमाज के लिए भी काफ़ी मसले मसाइल हैं लोगों के लिए। और ये सर्विस रोड है, इस सर्विस रोड पे मैरिज हॉल्स वगैरह भी हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, हॉस्पिटल है आगे जाके, तो यहाँ पे आने वाले लोगों को जो है वो काफ़ी दुश्वारी है। और हम जो है वो रिक्वेस्टेड हैं डिपार्टमेंट से, वाटर बोर्ड और सेवरेज से, कि इस जगह को जो है वो जितना जल्दी हो सके क्लियर किया जाए। अगर लाइन डैमेज हो गई हैं तो उन लाइन्स के जो पाइप डैमेज हुए हैं उनको निकाल के दोबारा नए लगाए जाएं, और अगर कहीं ब्लॉक हो गई है तो उस ब्लॉकेज को जो है वो भी खोला जाए जल्द से जल्द, ताकि लोग जो इस पानी की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो सके और ये रास्ते जो हैं वो क्लियर हो सके। क्योंकि 1.5 महीने से लगभग कराची में जो लगातार बारिशों का सिलसिला चल रहा है तो लोग बहुत परेशान हैं पहले से इन चीज़ों से, और अब बारिश रुकने के बाद ये हालात हैं। तो देख सकते हैं आप जो वीडियो सामने ही आपको, यहाँ पे जो है वो मेन रोड की साइडें तक खुल गई हैं,
और मेन रोल का जो चैम्फर बनता है वो चैम्फर तक जो है वो यहाँ पे फट गया है पानी के प्रेशर से, और यहाँ से जो है वो पानी निकलता हुआ जा रहा है वो सारे का सारा ये जगह है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो है वो एज अ सेफ्टी के तौर पर यहाँ पे तारे वगैरह भी जो है वो बांध दिए हैं और दरख्त काट के भी जो उसके ऊपर रख दिया है कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। कोई पानी में तो पता ही नहीं चलता कि उसके नीचे है क्या। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट से और उन इदारों से जिनके जिन्हें ये काम आता है कि वो जो है आएँ और अपने ये काम करें ताकि लोग जो हैं वो परेशानी से थोड़ा सा बाहर आएँ। और आप देख सकते हैं वहाँ जगह फटी है, ये साइड के गटर्स हैं इनमें से भी पानी उबल रहा है। और बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा मेन रोड के सेंटर में गटर्स हैं जिनके ढक्कन जो है वो नई सर्विस रोड बनाई गई है तो उसमें जो है वो छुपे हुए हैं, उनमें से भी पानी निकल रहा है उबल रहा है जगह जगह से। देख सकते हैं ये वीडियो में आप सामने कि यहाँ भी पानी निकल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी वीडियो जो है आप यहाँ तक देखिएगा और हमारी वीडियो को जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारे यहाँ के मकामी आला वो काम तक पहुँच सके और वो जल्द जल्द जो है वो इस काम को कर सकें। जी तो व्यूज़ उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इकराम गैलेक्सी चैनल, अल्लाह हाफिज़।